बोला भी नहीं यार उनसे, आदत छूट जाती है ना तो बुरा होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। गाइस आज मैं हूँ एक नई जगह। गाइस कल हम लोगों ने अपना एक घर शिफ्ट करा था, तो आज मैं नए घर में हूँ। आज मैं इसका सारा होम टूर देने वाला हूँ आप लोगों को, तो होपफुली आपको पसंद आएगा। हम लोगों का सारा सामान अभी इधर फैला हुआ है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ये सब कुछ कार्टून वगैरह, बॉक्सेस वगैरह, उधर बेड वगैरह है, वो सब चीज़ें सब कुछ फैली हुई हैं। इधर किचन का सब कुछ फैला हुआ है और इधर मम्मी बना रही हैं कुछ खाना। क्या बना रही हूँ मम्मी? अभी कुछ नहीं बना रही, अभी सिर्फ समटा सामटी कर रही हैं, बस कुछ नहीं। हसन ये देखो, खुशी देखो। तो नए घर में कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी, ये इस खुशी को नजर ना लगे। गाइस ऐसा कुछ अभी बाकी सारा सामान सेट हो। इधर हमारा फ्रिज है, ये वाला फ्रिज ना, डोर का फ्रिज है ये वाला, जो मैं आपको दिखाऊं। एक डोर ये है इसमें, एक डोर ये, एक डोर नीचे है। तो ये वाला फ्रिज बाहर शिफ्ट होना है, बाकी यहाँ इधर कुछ और इधर एक रूम है उसमें भी अभी सब कुछ शिफ्ट होना है। वाला रूम भी अभी एक खाली है। ऐसे करके ना गाइस हमारे पास तीन रूम है, और ये भैया की बुक्स हैं यहाँ पे। उधर वाले रूम को तो आपने देख लिया होगा, बाकी वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये है वॉशरूम, ये बम गिराने के लिए है यहाँ पे, और ये बम गिराने के हमारे पास दो है, बाकी ये है यहाँ पे नहा सकते हैं हम लोग, शावर वगैरह ले सकते हैं आराम से। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा बम गिराने की जगह। गाइस मेरे दो दो बम गिराने की जगह है, तो हम लोग किसी में भी गिरा सकते हैं जाके। जैसे कोई भी सोता है तो वो इधर ही आराम से इधर आके बम गिरा सकता है। तो यहाँ पे भी अभी ये सब क्लीन वगैरह नहीं हुआ है, बाकी ये सारे बॉक्स, इन बॉक्सेस में दोनों में मेरे कपड़े हैं सिर्फ, और ये इधर अलमारी पे सेट होना है सब कुछ। बाकी मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ, बाकी बाहर का दिखाते हैं गाइस आपको। बाहर का कुछ ऐसा है, बाहर बहुत ही ज़्यादा खुला खुला सा मौसम है। खुला खुले से का मतलब है सब, ये देखो बाहर इतना बड़ा खुला एरिया मिला है हमें बिल्कुल प्रॉपर। और ये मेन गेट है, मतलब इधर से आ सकते हैं नीचे से। और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ की सोसाइटी देखने लायक है। गाइस अभी मैं सारी अलमारी वगैरह सेट कर रहा था, जिसमें कपड़े वगैरह थे सब कुछ, बाहर की सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, मम्मी भी आ चुकी थी, तो अभी इधर आ चुका है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है ये भिंडी और पराठे और दाल, तो ये बनाया है। अभी भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो पहले मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। वैसे पराठा खाना मुझे मना है, मुझे ओट्स, एग, ये सारी चीज़ें खानी हैं, बट मैं क्या करूँ अभी, अभी मैं वर्कआउट भी नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से खा लेते हैं ये सारा पराठा वगैरह। तो आ जाओ आप लोग भी, पराठा खा लो, दिखा दूँ मैं आपको। इधर चल रही है सब कुछ शिफ्टमेंट चल रहा है। इधर सारे कपड़े वगैरह फैल रखे हैं, इधर सब मैंने वो कर दिया था जो कुछ भी जैसा भी हो रहा है अलमीरा में। बाकी इधर अभी बेड सेट होना है, बेड के लिए अभी बुलाया है हमने बड़ाई को, तो वो आके इधर सेट करेंगे इन सारी चीज़ों को, मतलब जो होते हैं कारपेंटर, तो बेड के लिए हमने बुलाया कारपेंटर को, तो कारपेंटर आके सबको सेट करेंगे। बाकी मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फिर आप लोगों से। आज तो भाई मम्मी ने तिकोने वाले पराठे बनाए हैं, ये तिकोने वाले, ये बचपन में बहुत खाते थे, जो खाता था ये वाले पराठे, जिसने खाए वो कमेंट करिए बताओ जल्दी से। और दाल अभी मम्मी ने छोंकी नहीं थी, तो जस्ट नॉर्मल दी थी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। गाइस जो अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ अपने आईफोन से, तो अब देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे आने वाली है। बाकी जैसी भी आए आप लोग एक्सेप्ट करना, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश है हम लोग इस नए घर में। बाकी सब कुछ चल रहा है अभी, शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ चल रही है। और कल मतलब पूरा दिन मैंने यही सब कुछ शिफ्ट कराया था। एक दो मैंने मजदूर होते हैं ना, उन लोगों को दिया था, तो उन लोगों को पैसे मैंने दे दिए थे, तो उन लोगों ने सारा सामान इस घर, दूसरे घर से इस वाले घर पे शिफ्ट करा। तो ये सारी चीज़ें रहीं। और फिर उसके बाद कल, मतलब परसों रात में 2 बजे तक मैंने अकेले सामान शिफ्ट करा था। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मजदूरों ने सब कुछ सेट करा था। तो ऐसा कुछ, बाकी यहाँ पे आके सब कुछ फैलावा हो रखा है। इधर हमारी वॉशिंग मशीन रखी है, इस वॉशिंग में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कुछ भी डाल दो। अभी सब कुछ फैला हुआ है, मैसी है, तो सब कुछ कहीं इधर रखा है कहीं इधर रखा है, तो आप लोग माइंड मत करना। बाकी मैं आपको पीछे का एरिया दिखाता हूँ, पीछे का कुछ ऐसा एरिया है। इधर हम लोगों को पूरी गैलरी मिल जाती है इधर हर दोनों तरफ। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपकी बार इस वाले घर में, किसी को पता भी नहीं है आपकी बार में, इसका किसी को लोकेशन नहीं दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, बाकी अभी मैं भी जाके नहाऊंगा पहले, उसके बाद वैसे नहाऊंगा अभी तो नहीं, क्योंकि सारा शिफ्ट वगैरह करना है, सब कुछ चीज़ें को दोबारा से मैनेज करना है, सबको अपनी जगह लगाना है, तो ऐसा कुछ रहेगा। बाकी होम टूर तो आपने ले ही लिया हमारा, और देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो ब्रेकफास्ट करके मैं लेट गया था, फिर अभी जा रहा हूँ दोबारा से अलमारी के सारा सामान सेट करने। इधर सारा सामान पड़ा है, बेड इधर डन हो चुका है बिल्कुल, बस इसके अंदर सामान रखना है। सारा बेड के अंदर आएगा वही सारे बॉक्स के कवर आएंगे, कपड़े आएंगे, और इसमें जो सब ये पोटली बना के रखी है ये भी आ जाएगा। ये पता नहीं किसी औरत का है हमारे घर में, तो जिस औरत का है ये भी मैं बेड में रख दूँगा, और ढूंढती फिरेंगी फिर ये।
तो औरत का नहीं, वो मम्मी का टैबलेट है। मम्मी हमारी फ़ोन नहीं, फ़ोन की जगह पूरा टैबलेट चलाती हैं। बाकी अभी ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर में लेट चुका था, और अभी बाहर का मौसम दिखाता हूँ, अच्छा हो रहा है। वैसे वेदर आज अच्छा हो रहा है, धूप इतनी ज़्यादा है नहीं बाहर। अभी जल्दी ही चलते हैं और उसको सब कुछ रख लेते हैं। तो अभी आपने टाइम लैप्स देखा ना, तो उसमें भी क्या हुआ था कि मैं साफ़ सफाई कर रहा था, रैंडमली हवा चली और मैंने फ़ोन को सिर्फ ऐसे ही अपने लगा के रखा था, लाइक एक ईंट के सहारे यहाँ पे, ये ईंट रखी है ना, इसके सहारे मैंने लगा के रखा था फ़ोन को, तो वो हवा चली और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरा फ़ोन गिर गया नीचे। भाई मेरा 13 गिर गया नीचे सुबह सुबह मॉर्निंग, आज फर्स्ट टाइम गिरा है, इतना टाइम हो गया इसे लिए हुए पर आज फर्स्ट टाइम गिरा है मेरा आईफोन। ये जो है पैर साफ करने वाले, इन्हें अभी क्लीन करना है मुझे, और उधर एक चादर है वो चादर धुलनी है। गाइस अभी सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है बाहर की, और जैसे हम लोग पायदान बोलते हैं ना, वो पायदान भी मैंने क्लीन कर दिया है। और मुझसे ना बाहर आंखें नहीं खोली जाती है, मतलब धूप में, तो जैसे कि अगर मैं बाहर के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मेरी आंखें ऐसे ऐसे आएंगी, तो आप लोग माइंड मत करना ठीक है। फैन ऑन करते हैं और फिर ये देखो यहाँ पे पंखा लगा है हमारा, कितना सुंदर लग रहा है। इधर वॉच लगी है हमारी, कितनी सुंदर लग रही है ना गाइस, सुंदर सुंदर सब कुछ सुंदर सुंदर लग रहा है। और इधर से ही बिल्कुल हवा आने का पूरा एरिया है। बाकी ये ऊपर स्टोर है, तो इस स्टोर को मैंने अभी इसके अंदर सामान रखा था, तो इसे बंद नहीं करा। तो गाइस अभी मैं अपने लिए कुछ बना लेता हूँ, और बाहर ना कबूतर आए, कबूतर दिखाता हूँ आपको। वेट, अरे उड़ गए भाई, उड़ गया, अरे कबूतर तेरे, ऐसे गाना है ना एक, वो तो ऐसा कुछ। बाकी मैं कुछ बनाता हूँ अपने लिए, बनाऊंगा क्या यार, मैं तो वो पीनट बटर और ब्रेड खाता हूँ मॉर्निंग, और ओट्स वगैरह खाता हूँ, तो अभी वो सब चीज़ें मम्मी लेने गई हैं, और मेरे ओट्स पता नहीं कब गए सॉरी। इधर मम्मी और आंटी मिलके किचन का सब कुछ सामान कर रहे हैं, फ्रिज को हमने इधर रख दिया था। गाइस अभी आए अन्नू भाई बिजली फिटिंग करते हैं, और किसी को कराना हो तो करवा लेना, वो इधर कोमल कह रहा मैं बहुत कुछ फिट कर देता हूँ। तो अभी बिजली फिटिंग चली है, LCD वगैरह लगेगी, बाकी भी पता नहीं कब तक शिफ्टिंग चलेगी, इसका कुछ नहीं पता। सारा सामान हमने बेड में भी रखा हुआ, हर तरफ रखा। तो क्या चीज़ क्या कोमल, यही तो ब्लॉगिंग का फायदा है कि सिर्फ ऊपर का दिखता है, नीचे जाए कच्चा मैंने। तो ये चीज बाकी अभी जा रहे हैं गिट्टी वगैरह लेके आते हैं, और इधर फिर हम लोग LCD फिट करा रहे हैं, LCD वो रखी। एंड गाइस नहा इज डन, नहा चुका हूँ मैं, और मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया था, बाकी सारा घर समेट चुका है, कितनी बार मैं बताऊँ आपको। और अभी मैंने ऑयलिंग करी थी नहाने के बाद, और इधर मम्मी ने ये अपनी खटिया नहीं छोड़ी है, कैसे भी घर में आ जाएंगी। मम्मी ने अपनी खटिया नहीं छोड़ी, और थोड़ा अपना खाना देखो कैसे लेके खा रही हैं। तो भाई ये ऐसी करती हैं, और मतलब खाते तो ऐसे ही हैं खाना, बट ये है कि थोड़ा अच्छे से खाया करो, मैं कहता हूँ अच्छे से रहा करो, अपनी खटिया नहीं छोड़ी इन्होंने ये वाली। बाकी इधर आ चुका है मेरा भी लंच, तो लंच वैसे मैं बहुत लेट कर रहा हूँ, लंच में आज चावल है, दाल है, और वही भिंडी की सब्जी है मॉर्निंग वाली जो नाश्ता कर रहा था, और क्या है, और प्याज वगैरह है। तो ये सब तो अभी मैं लंच कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और बाहर का मौसम बहुत यार अच्छा हो रहा है, पहले लंच करूँ उसके बाद जाके दिखाऊंगा। गाइस कुछ हमारे पास छोटे छोटे मेहमान आए हैं हमारे, हाय हेलो करो, आपका क्या नाम है, द्रोण, और आपका निक्को। तो ये लोग यहाँ पे आके ब्लॉग देख रहे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और आप थर्ड में, आप दोनों फ्रेंड्स हैं, अच्छा। एंड गुड इवनिंग गाइस, इट्स 6 o'clock, अभी 6 बज रहे हैं, और मैं सो चुका था, और अभी उठा हूँ सो करके, और अभी इधर रखी है चाय, हमारी चाय आ चुकी है, अभी चाय पी रहा हूँ नए घर में, फर्स्ट टाइम चाय, तो आ जाओ आप लोग भी जिसको पीनी है। बहुत अच्छी नींद आई, मतलब पूरे दिन काम करने के बाद फिर सो गया था, और इधर आ चुके हैं छुट्टू तो ये नए दोस्त हैं मेरे, इनसे आप लोग मिल लिए होंगे। तो बाकी अभी मैं चाय पी रहा हूँ, और आप चाय पियोगे, चाय पियोगे, अच्छा चाय पीते हो आप, अच्छा पी ली आपने, अच्छा तो इन्होंने तो चाय पी ली, अब मैं पी लेता हूँ। इधर आ चुके हैं एक और छुटकू तो ये लोग मेरे नए दोस्त हैं, एक आपसे एक मिल लिए होंगे, और एक ये हैं, तो आ जाओ अगर आप लोगों को भी चाय पीनी है तो। अभी मैं चाय पी लेता हूँ, और सोच रहे हैं कि हम लोग इवनिंग में मार्केट वगैरह जाएं, मैं और मम्मी न्यू घर के लिए कुछ कार्टन वगैरह लेके आने, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ब्लॉगर कोई नहीं है, मतलब दूर दूर तक तो कोई लोग दिख ही नहीं रहे, देखो मतलब दूर दूर तक आपको कोई लोग नहीं दिखेंगे, मतलब पता नहीं रहते भी हैं या नहीं, और जो मुझे नोटिस कर रहा होगा वही सोच रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये ब्लॉगिंग वगैरह।
एंड गाइस फाइनली अभी कार्टन्स वगैरह लग चुके हैं। मैं और मम्मी गए थे मार्केट, मार्केट से हम लोग कार्टन डस्टबिन ये सारी चीज़ें लेके आए थे। तो ये वाले कार्टन्स थे, आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाले, तो ये वाले कार्टन्स आए थे सारे। और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है क्योंकि फ़ैन बंद कर रखा है, मैं कार्टन्स वगैरह लगा रहा था इस वजह से। और अभी बच चुके हैं रात के 8, तो अब हम लोग डिनर करेंगे और आपसे मिलते हैं कल। तो बाय, टेक केयर गाइज़।